सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब विखे संगत की वड्डी गिनती विच आमद दे मद्देनज़र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कड़ाह प्रसाद की देग प्रवान करवाउण लई नवें तैयार किए काउंटर की अज शुरुआत की गई। काउंटर की आरंभता तो पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के मुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह जी ने आनंद साहिब का पाठ किया अते अरदास भाई सुखदेव सिंह जी ने की। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह धामी अते होर प्रमुख शख्सियत ने विशेष तौर पर शिरकत की। दसनयोग है कि यह सेवा भाई प्रभजोत सिंह दे सपुत्र भाई सुरिंदरपाल सिंह अते भाई इंद्रपाल सिंह वालों करवाई गई है। इस दे नाल ही सेवक परिवार ने श्री अखंड पाठ साहिब लई चार कमरियां दे नवीनीकरण की भी सेवा करवाई है। इस मौके सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह अते श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी ने सेवक परिवार नूं गुरु घर दी बख्शिश सिरोपाओ दे के सन्मानित किया। डिटे सबे ताव नहीं तुद जेहा बदो पुरख विधाते तातु सोहिया पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे कड़ा प्रचार दे नवें काउंटर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहब जी वालों सरदार प्रभजोत सिंह जी अते उन्हां दे बेटे सरदार सुरिंदरपाल सिंह जी सरदार इंद्रपाल सिंह जी परिवार नूं सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बख्शिश होई सी क्योंकि रोजाना ही सिख संगतां दी आमद जिहड़ी है वह वध रही है। जिते पहला कड़ा प्रचार का काउंटर से उत्ते कड़ा प्रचार भेट करन वालियां नूं बहुत ज़्यादा धक्के आदक पैंदे सी, कईयां दे हत्थों कड़ा प्रचार दीआं तालियां डिग पैंदियां सी। इस तों उपरां श्रोमणी कमेटी ने विचार करके जो हुण नवें काउंटर कड़ा प्रचार वास्ते तैयार किए ने वह बरांडियां दे पिछे बहुत वधिया बनाए गए ने, बहुत वधिया परिवार ने सेवा की है। इहदे नाल ही श्री हरिमंदर साहब जी विखे चल रहे श्री अखंड पाठ साहिबां दीआं लड़ियां वास्ते सोहणे चार कमरे सेवक परिवार ने तैयार किए ने, जिते हर रोज़ अखंड पाठ साहिब चलते ने। ये भी सेवा श्रोमणी कमेटी ने सेवक परिवार नूं बख्शिश कीती सी। सेवक परिवार ने यह सेवा संपूर्ण करके अज चाबियां जिहड़ियां ने वो मानयोग प्रधान जी जयदार सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब नूं श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहिबानां नूं सौंप दित्तियां ने। ये परिवार वधाई का पात्र है। अगों नूं भी आस करते हाँ कि इस तरह ही श्रोमणी कमेटी जदों जदों भी इस परिवार नूं कोई भी सेवा लावे ये चढ़दी कला दे विच सेवा निभाउंदे रहणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। गुर की सेवा सो जन पाए जां को कर्म लिखिया तुर आए। इस पवित्र स्थान ते धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी दे इस पवित्र स्थान ते अणथक सेवा वख वख जथेबंदियां वालों की जाती है। तो साढ़े कड़ाह प्रसाद के जिहड़े काउंटर से वह परिक्रमा के बरांडे के बिच सीगे जिथे संगतां नूं काफ़ी दिक्कतां आउंदियां सी। ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भाई सुरिंदरपाल सिंह भाई इंद्रपाल सिंह जी जिहड़े सतकार सरदार प्रभजीत सिंह दे बेटे आ सपुत्र आ मैं तां कहूँगा होर भी बहुत सेवा पहला भी निभा रहे आ उन्हां वालों बहुत ही खूबसूरत काउंटर जिहड़े अज सिंह साहब ने उन्हां दा उद्घाटन किया। तो उहदे नाल ही लगते चार कमरे श्री अखंड पाठ साहिब जिथे दिन रात चलते हैं उन्होंने चार कमरे वख वख वो तैयार करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को ये चाबियां अज सौंपिया गई जिथे वो बहुत बधाई दे पात्र आ। कई मनुख तीन तरह की सेवा करते, एक मनुख होंगे जेडे अर्पित करके कुछ तो ग्रंथी सिंह कहें मेरी अरदास कर दे, कुछ सिंह होंगे धार के गुरु के खजाने में माया पा देंगे पर मन के फुरना होंगे, कई आ जो कुछ तेरा ही आ
तो मैं समझदा यह परिवार जिहड़ा बहुत बड़िया इन सेवावां अखंड पाठां दे गुरद्वारे अपने कमरियां दी सारियां दी दवाइयां सो जिथे इन्हां नूं बधाई दिंदा उत्थे कामना भी करदा होर भी सेवावां जिहड़ियां सतगुरु जी इन्हां दे पासों इवें गुरमत अनुकूल लै लैण सो परिवार की एक सुरता ते इन्हां दे कामना करदा गुरु साहब जी गुरसिखी की दात जिहड़ी हिरदे विच वसाई आ अपने जज्बे दे नाल होर भरपूर होकर निकलन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।